रवि कुमार और आप देख रहे हैं माम भी न्यूज। अभी मैं हजारीबाग की ओर जा रहा था, वहीं मुझे एक अजीबो गरीब वाहन देखने को मिली जिसमें करीबन लगता है 100 से ऊपर चक्के होंगे और देख सकते हैं बहुत बड़ी वाहन है। मैं कैमरे में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ में इनके कुछ लोग चल रहे हैं, कुछ व्यक्ति यहाँ पे है, उनसे मिलाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपका स्वागत है सर। बोलिए सर, आपका नाम क्या है? प्रदीप संगवान। इसके साथ में? हाँ सर। ये कहाँ से चला है? ये नोएडा से। नोएडा से क्या लोड है? ये ऑयल सिल का बॉयलर लोड है। कहाँ तक जानी है? पारादीप जाएगा जी। कितने चक्के हैं इसमें लगे? 106 चक्के हैं। आप कितने टीम है इसमें? 14 बंदों की टीम है। अभी तक कितना दिन लगा यहाँ हजारीबाग में? यहाँ तक लगा अभी तक 2 महीना 2 दिन। 2 महीना 2 दिन हो चुका है। हाँ जी। जैसा कि दिखाया मैंने, आप सामने से कुछ कवरेज करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 महीने से ऊपर होने चला है नोएडा से निकले हुए और देख सकते हैं इसमें 106 चक्के हैं, छोटे छोटे जो चक्के लगे हुए हैं आप देख सकते हैं, बड़े बड़े चक्के, और इसमें बहुत सारा ये जो टंकी बहुत बड़ा विशाल लोड किया गया है और इसे धीरे धीरे निकालने की यहाँ से कोशिश की जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये अजूबा पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी बड़ी वाहन यहाँ से हजारीबाग टूल टैक्स से पार हो रही है और टूल टैक्स से उसे पास करवाने में पूरी टीम लगी हुई है, पूरी टीम यहाँ मुशक्कत कर रही है इस वाहन को निकालने में। आप देख सकते हैं कि अगर बगल में टूल टैक्स के पास, इधर थोड़ा कैमरा करेंगे, एक खंभा लगा हुआ था लोहे का, उसे हटाना पड़ा है खास करके इस वाहन को बाहर निकालने के लिए। सर एक चीज जानकारी और लेंगे, आप भी साथ में है सर? साथ में आप हैं सर। एक चीज बताएं कि अभी टोल वाहन के पास ये खंभा जो लोहा का लगा हुआ था, इस वाहन के लिए हटाना पड़ा। आपने बताया कि 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं इस सफर को, इस तरह की मुसीबत कहाँ कहाँ झेलनी पड़ी सर? ऐसे जगह दो एक जगह मिलता है, दो एक टोल में मिलता है, नहीं तो ऐसे निकल के निकल रहा है। अभी और कितने दिन लगेंगे सर आप लोगों का? 10-12 दिन लगेगा। 10-12 दिन और कहाँ जा तक बोले सर जाना? पारादीप उड़ीसा। उड़ीसा जाना है तो उड़ीसा जाने के लिए और इन लोगों को अभी 10-12 दिन की और लगेंगी और ऐसे मुसीबतों का सामना करते हुए ये बड़े वाहन आप देख रहे हैं। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा है इतने बड़े वाहन को इस रूट से पार होते हुए और इसमें जैसा इन्होंने कहा कि 106 चक्के लगे हुए हैं इस वाहन में। एक चीज और जानना चाहेंगे सर, इसकी लंबाई कितनी है ये भी हमें बता दें? 110 फीट लंबाई है। वजन सर? 72 टन। 72 टन मैट्रिक टन। हाँ जी हाँ जी, 72 टन। कहीं ना कहीं आप सोच सकते हैं कितनी ज्यादा वजन ये वाहन लेकर अभी चल रही है, इस वजह से इस वाहन में 106 चक्के लगाए गए हैं ताकि बिना किसी तकलीफ के इसे उसकी मंजिल तक पहुंचा दी जाए। इस गाड़ी की एक अलग अद्भुत चीज देखने को मिली है, आप देख सकते हैं ये मशीन जो लगी हुई है यहाँ पे, ये साफ तौर से देख सकते हैं कि यहाँ से कंट्रोल किया जाता है, जब भी हाइट को उठाना और कम करना रहता है तो इसी मशीन से की जाती है। देख सकते हैं कि इससे पहले जो वीडियो मैं चला रहा था उसमें हाइट डाउन किया हुआ था तो इसी मशीन से किया गया था, अभी हाइट को ऊपर किया जा रहा है तो इसी मशीन से किया जा रहा है। सर इसी से पूरा कंट्रोल किया जाता है सर? कंट्रोल इसी से करते हैं सर? हाँ इसी से कंट्रोल होता है पूरा, ऊपर नीचे इसी से करते हैं। अप डाउन इसी, अप डाउन भी होता है, स्टीयरिंग भी होता है इसी से, इसी से टोटल इसका काम। कहीं ना कहीं पीछे जो ये बोगी लगी हुई है आप देख सकते हैं, ट्रेन की बोगी जितनी लंबी होती है वैसे ही ये भी बोगी लंबी है, इसी से अप डाउन किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, जहां ऊंचाई कम करनी रहती है वो पीछे की जो वो मशीन लगी हुई है उसी से की जाती है, और जब भी हाइट को उठाना होता है तो उसी से उठाया जाता है, डाउन करना होता है तो उसी से डाउन किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक अद्भुत मशीन आप इंडिया में देख पा रहे हैं और ये अभी हम हजारीबाग में है और हजारीबाग से ये न्यूज ले रहे हैं, बहुत अद्भुत। अभी इन्हें उड़ीसा तक ले जाया जा रहा है, यहाँ के लोगों ने बताया कि 2 महीने से ज्यादा हो चुका है नोएडा से यहाँ तक पहुँचने में।